पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। सबसे अधिक घाव यदि कोई पहुंचा सकता है तो वो है हमारे शब्द, हमारे वचन। शब्द यदि चाहे तो अमृत बनकर आपको जीवन दान दे सकते हैं, या फिर घृणा का विष बनकर आपके जीवन को पीड़ादायी बना सकते हैं। एक बार एक आदमी का अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया। उसे इतना क्रोध आया कि उसने अपने पड़ोसी को बहुत अपशब्द कहे। जब क्रोध शांत हुआ तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वो अपने गुरु के पास गया और उनसे विनती की कि ऐसा कुछ करिए कि सब पहले जैसा हो जाए। इस पर गुरु ने कहा, खूब सारे पंख इकट्ठा करके बीच चौराहे पर रखकर फिर यहाँ आओ। आदमी ने ऐसा ही किया और वो फिर गुरु के पास पहुंचा। अब उसके गुरु ने कहा कि जाओ और सारे पंख इकट्ठा करके अब उन्हें मेरे पास लाओ। इस पर उस आदमी ने पूछा, ये कैसे संभव है? अब तक तो वहां एक पंख भी न होगा। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, बस यही तो होता है शब्दों के साथ भी। शब्दों का चुनाव जहां भी थोड़ा सा भी गलत हुआ, फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। पसंद करना और प्यार करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिन्हें फूल पसंद होता है वो उन्हें तोड़कर अपने पास रख लेते हैं, पर जिन्हें फूलों से प्यार होता है वो उसे तोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसकी देखभाल करते हैं। मूल्यवान वो नहीं जो ग्रहण किया जाता है, बल्कि मूल्यवान तो वो है जो पचाया जाता है। क्योंकि भोजन यदि ना पचे तो रोग बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा यदि ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। इसीलिए जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, इसी में जीवन का सार है। खाली हाथ ही रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा जैसा, प्रतीक्षा करो तो शबरी जैसी, भक्ति करो तो हनुमान जैसी, और शिष्य बनो तो अर्जुन जैसा। फकीरों की सोहबत में बैठा कीजिए, बादशाही का अंदाज खुद बखुद आ जाएगा। प्रभु कहते हैं, तुम किसी का कुछ न बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ न बिगड़ने दूंगा। घड़ी को सिर्फ देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। बस चलते रहो। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह कभी मत करो। वर्तमान से सुख लेने का प्रयास करो, भविष्य तो कपटी होता है जो केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। इच्छाओं का क्या है, वो तो पल पल बदलती हैं। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण का, जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्ण का, जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। और ये अंतिम पंक्तियां आप सभी के लिए, दुआ मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से, खुशियां मिले जग से, रहमत मिले रब से, प्यार मिले सब से, बस यही दुआ है रब से। सब खुश रहें आपसे और आप खुश रहें सबसे। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।